जय श्री राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष की जानकारी के लिए, पुरानी कथाओं को श्रवण करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम विषय है चंद्रमा नवम भाव में। ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, जिन जातकों का चंद्रमा नवम भाव में हो उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। नवम भाव जो है गुरु से संबंधित है और चंद्रमा गुरु का मित्र है। ऐसी स्थिति में नवम भाव में चंद्रमा अति शुभ फल जातक को प्रदान करता है। नवम भाव वाले जातक देव भक्त होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, कथा श्रवण आदि कार्यों में लगे रहते हैं, साधु संत और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, पूर्ण रूप से धार्मिक होते हैं, लोगों की सहायता के लिए जल का प्रबंध करते हैं, जलाशय का निर्माण करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, धर्मशाला आदि बनवाते हैं और सभी धार्मिक कार्य ऐसे जातक करते हैं। ऐसे जातक देव भक्त होते हैं, पितृ भक्त होते हैं और शुभ चंद्रमा के प्रभाव में ऐसे जातक के माता पिता भी दीर्घायु प्राप्त करते हैं, उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो और नीच ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का यदि संग हो रहा हो तो जातक के भाग्य में कमी आ जाती है। बहुत परिश्रम करने पर जीवन यापन करने योग्य धन की प्राप्ति होती है। जिन जातकों का चंद्रमा नवम भाव में हो ऐसे जातकों का पराक्रम साहस जो है वो चंद्रमा की तरह घटता और बढ़ता रहता है। कभी साहस ज्यादा आ जाता है और कभी बहुत ज्यादा आलस आ जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कायम हो, शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा चंद्रमा 9 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करता है, जातक को बहुत भाग्यवान बना देता है, उच्च नौकरी की प्राप्ति होती है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पंचम घर में यदि कुंडली में मित्र ग्रह हो तो वह संतान सुख व धर्म में बरकत होगी। चाहे तृतीय भाव में या चंद्रमा के साथ पापी ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन यदि पंचम भाव में मित्र ग्रह हो तो चंद्रमा अति शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसा देखा गया है जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में होता है वो गणित विद्या में बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, गणित विद्या इनको पूरी आती है, इसलिए गणित से संबंधित कोई नौकरी आदि ये अवश्य प्राप्त करते हैं। नवम चंद्रमा वाले जातक दुखियों के रक्षक होते हैं और भलाई के कार्य करने वाले होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्र ग्रह सूर्य गुरु और यदि मंगल हो तो चंद्रमा का अति शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। नवम भाव में गुरु चंद्रमा का योग हो जाए, गज केसरी योग हो जाए तो जातक अति भाग्यशाली होगा, देश विदेश में नाम प्राप्त करेगा। कुंडली में केतु यदि पंचम स्थान में हो तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा मंदा हो जाएगा, जातक का भाग्य मंदा हो जाएगा, जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, माता पिता को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र यदि तृतीय भाव में हो, चंद्रमा नवम भाव में हो, ऐसी स्थिति में जातक की माता की आंखों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, नेत्र रोग ऐसे जातक की माता को हो जाते हैं,
इसका उपाय भी अवश्य कर लेना चाहिए। शुभ प्रभाव में गए हुए नवम चंद्रमा के प्रभाव से जातक का भाग्य उदय जवानी में ही हो जाता है। 20-22 या 24 वर्ष की अवस्था में ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह समाज में नाम प्राप्त करता है और बहुत धन की प्राप्ति उसको बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि नवम भाव के चंद्रमा वाले जातक यदि पागलों के डॉक्टर बने तो उनको बहुत लाभ होता है। इस रोग को वो ठीक भी कर देते हैं और इसमें इनको बहुत नाम होता है और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। नवम भाव वाले जातक विदेश यात्रा भी अवश्य करते हैं, विदेश में अवश्य घूमते हैं और वहाँ सुख प्राप्त करते हैं, धन लाभ प्राप्त करते हैं। द्वितीय, तृतीय, पंचम और षष्ठ भाव में यदि पाप ग्रह हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का फल मंदा हो जाएगा, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। भाग्य उदय में बहुत से विघ्न जातक को आएंगे। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो डॉक्टरी पेशा उनके लिए अक्सर मंदा ही होता है। सिर्फ पागलों का डॉक्टर के सिवाय अन्य किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, जिससे परेशानी का ही अनुभव होता है और घुली हुई दवाई जो है वो नुकसानदायक होती है। तो नवम चंद्रमा वाले जातक जो हैं वो भाग्यशाली भी होते हैं और उनको अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए चंद्रमा को उसके मित्र ग्रहों की सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे चंद्रमा जो है जातक को उत्तम भाग्य प्रदान करता है। नवम चंद्रमा वाले जातकों को मछलियों को चावल खिलाना चाहिए और मजदूरों को दूध पिलाना चाहिए, जिससे उनको शुभ फल प्राप्त होता है। नवम भाव में चंद्रमा हो, केतु चतुर्थ भाव में हो, ऐसी स्थिति में मातृ ऋण बनता है, जिसका कारण होता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में माता को कष्ट देना, किसी माता को उसकी संतान से अलग कर देना। इसके लक्षण होंगे घर के आसपास कोई जलाशय होगा, उसमें बहुत गंदगी होगी, तो मातृ ऋण का उपाय भी इस स्थिति में अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये था नवम भाव का चंद्रमा का फल। अक्सर नवम भाव में चंद्रमा शुभ फल ही प्रदान करता है, अशुभ फल बहुत कम होते हैं। ज्योतिष की जानकारी के लिए और पुरानी कथाओं के श्रवण के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी उपाय की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।